ईशान कोण का टॉयलेट है वास्तु दोष, क्या उत्तर पूर्व का टॉयलेट आपके घर में समस्या पैदा कर रहा है? तो अगर आपके घर में उत्तर पूर्व में टॉयलेट है तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। मैं आचार्य दीपक कौशिक, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आचार्य दीपक कौशिक। आज हम आपको बताने वाले हैं कि ईशान कोण में बने टॉयलेट से होने वाली परेशानियों के बारे में और समस्याओं के बारे में, और बड़े आसान से इसके उपाय भी आपको बताएंगे, जिसका आपको करने से आपको बहुत बढ़िया, आपको अच्छा श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। थी आपको सही दिशा भी बताएंगे किस दिशा में टॉयलेट होना ही चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि वास्तु के अनुसार घर के पवित्र स्थान ईशान कोण में टॉयलेट होने के कारण व्यक्ति के ऊपर धन संकट बना रहता है। पूर्व उत्तर की दिशा को ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण में शौचालय कभी भी नहीं होना चाहिए। घर का मध्य भाग ब्रह्म स्थान कहलाता है, मध्य भाग में भी शौचालय कभी नहीं होना चाहिए। साथ ही ईशान कोण में टॉयलेट अगर आपके है तो अनेक प्रकार की समस्याएं आपके उत्पन्न हो जाती हैं। आपको बता दें, विशेष बीमारियों से आप घिरे रहेंगे, पेट संबंधित आपको विकार रहेगा, धन की समस्या बनी रहेगी, क्योंकि लक्ष्मी और कुबेर का कोना है, इसलिए धन की भी समस्या आपको बनी रहेगी। चलिए अब आपको उसके उपायों के बारे में बताते हैं। यदि आपके घर में ईशान कोण में टॉयलेट है तो आप उसे वहां से हटा नहीं सकते। देखो, प्रथम तो उपाय इसका यही है कि आप उसको हटाएं, लेकिन ना हटा नहीं सकते तो उसके मैं आपको कुछ बिना तोड़फोड़ के सूक्ष्म उपाय बताने जा रहा हूं, जिसका आपको कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रथम इसका उपाय है कि शौचालय की तोड़फोड़ न कर उसका शुद्धिकरण करके, और संभव हो तो ईशान कोण में बने शौचालय के सामने दरवाजे पर एक शिकार करते हुए सिंह की तस्वीर लगा दीजिएगा। प्रथम उपाय है, और पीला पेंट आप उन पे कर दीजिएगा। दूसरा, ईशान कोण के अंदर अगर आपका शौचालय है तो ग्रीन बल्ब या बल्ब टॉयलेट में लगाना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। टॉयलेट के अंदर बंबू प्लांट भी लगाने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। और जब मैं आपको ये बताऊंगा कि घर में टॉयलेट के लिए कौन सी दिशा सबसे उत्तम है, उससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को शेयर करना कभी नहीं भूलेगा। अब मैं आपको बताता हूं घर में टॉयलेट किस दिशा में होना श्रेष्ठ रहता है। देखिए, यू तो टॉयलेट कई जगहों में अलग अलग दिशाओं में बना देते हैं, लेकिन यदि आप दिशाओं के बारे में जानते हैं तो टॉयलेट का एक वास्तु के हिसाब से अनुकूल जगह होनी चाहिए। आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी अगर आप टॉयलेट सही दिशा में कर देते हो। जहां घर में सबसे ज्यादा नकारात्मकता ऊर्जा पैदा होती है वहां ही टॉयलेट का निर्माण करना चाहिए। यम्मे नैऋत्य मध्य पुरुष त्याग मंदिरम, अर्थात दक्षिण और नैऋत्य दक्षिण पश्चिम दिशा के मध्य में पुरुष यानी मल त्याग का स्थान होना चाहिए। जहां दक्षिण और पश्चिम का कॉर्नर है, नैऋत्य कोण या उत्तर या पश्चिम का कोण है, वहां पर आपका टॉयलेट की दिशा होनी चाहिए। इस दिशा में आपको ध्यान रखिए कि अगर आप बैठने की सीट है तो उसका मुख उत्तर की दिशा में हो और पिछवाड़ा पश्चिम की दिशा में हो। इस प्रकार आप विशेष ध्यान दे सकते हैं टॉयलेट का। अगर फिर भी किसी कारण से आप उस दिशा में नहीं बनाना चाहते तो कम से कम अपने घर के मध्य में या ईशान कोण में बिल्कुल टॉयलेट ना बनाइएगा। ऐसे ही हम वास्तु संबंधित वीडियो बनाते रहते हैं, ऐसे ही प्रतिदिन राशिफल की वीडियो और वास्तु संबंधित वीडियो आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलेगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।